की नई सरकार बने, वो सरकार ऐसी सरकार बने जो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे। और मुझे लगता है कि हमारी जो इंडिया अलायंस का जो हमारा यहाँ गठबंधन हुआ है उसकी सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी खुद भी चुनाव लड़ रही है और बहुत सारे प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े कर रखे हैं ताकि वोट चढ़कर हमारे अलायंस पार्टनर्स को जिताएंगे। यहाँ पर हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ भारी बहुमत से जब रिजल्ट आएगा तो हम जीतेंगे। राहुल जी से जुड़ रहा है क्योंकि उन्होंने खतरे पे खेलकर लोगों को जोड़ने का काम किया और उस कठिन समय में यहाँ पर आए, लोगों को साथ रखा और उस यात्रा के बाद एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी लोगों को मिली। पहले अली साहब, आज आप पुंछ में खास करके महोट की इस बिल्कुल रिमोट विलेज के अंदर आज आपकी रैली हुई है और यहाँ पे आपके कांग्रेस के अलायंस के कैंडिडेट ने, ये सरहद का इलाका है, यहाँ पर हमेशा से कांग्रेस पार्टी मजबूत रही है। अलायंस के हमारे कैंडिडेट हैं चौधरी शाहनवाज जी, नौजवान को पार्टी ने मैंडेट दिया है और जो माहौल देख रहा हूँ मैं, हर जगह लोग चाहते हैं कि नई सरकार बने, वो सरकार ऐसी सरकार बने जो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे। और मुझे लगता है कि हमारी जो इंडिया अलायंस का जो हमारा यहाँ गठबंधन हुआ है उसकी सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी खुद भी चुनाव लड़ रही है और बहुत सारे प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े कर रखे हैं ताकि वोट खराब कर सकें, लेकिन यहाँ के जो मतदाता हैं वो इस राजनीति को समझ रहे हैं। यहाँ की जमहूरियत को मजबूत करने के लिए अलायंस को वोट मिलेगा ऐसा मैं मानता हूँ। यहाँ पे डेवलपमेंट विकास जो ठप पड़ा है, 10 साल से यहाँ पर चुनाव नहीं हुए, लोग उम्मीदों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और खासकर नौजवान लोग बढ़ चढ़कर हमारे अलायंस पार्टनर्स को जिताएंगे। यहाँ पर हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ भारी बहुमत से जब रिजल्ट आएगा तो हम जीतकर निकलेंगे। सचिन साहब, एब्रोगेशन 370 के बाद अभी क्या इस अलायंस का एजेंडा है कि 370 को किस तरीके से? हम दोनों पार्टी साथ इसलिए आए क्योंकि हमको, हम चाहते थे कि यहाँ बीजेपी एनडीए को रोका जाए और जैसा हमने लोकसभा में लड़ा हम लोग कामयाब लोग हुए और एनडीए की सरकार जरूर बनी है लेकिन बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। देश भर में ऐसा हुआ, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे बंगाल है, चाहे वो राजस्थान है, हर जगह बीजेपी हारी है। जम्मू कश्मीर के अंदर वो कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन यहाँ लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं और हमारे अलायंस को लोग पसंद करेंगे। और बहुमत के साथ राहुल गांधी जी की जो यात्रा निकली थी, भारत जोड़ो यात्रा, जब वो कश्मीर आई थी तो एक लोगों को उम्मीद जगी थी। आज नौजवान राहुल जी से जुड़ रहा है क्योंकि उन्होंने खतरे पे खेलकर लोगों को जोड़ने का काम किया और उस कठिन समय में यहाँ पर आए, लोगों को साथ रखा और उस यात्रा के बाद एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी लोगों को मिली, नौजवानों में मिली है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग वोट मांग भी रहे हैं कोई ये आश्वासन नहीं दे पा रहा। हमारी मैनिफेस्टो, हमारा जो 5 गारंटी हम लोग दे रहे हैं हम उसको पूरा करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार बनने के एकदम बाद हम लोग स्टेट को रिस्टोर करवाएंगे। बीजेपी ये कहने में कतराती है क्योंकि उन्होंने बिना वजह यहाँ के लोगों का जो स्टेट हुड था उसको छीना है और लोग उससे बहुत